अगर आप दिल्ली मेट्रो से रोज़ाना सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं मेट्रो में आपकी साड़ी, पर्स, दुपट्टा कहीं फंस जाए और उसके बाद कोई हादसा ना हो जाए, और यही वजह है कि आप दिल्ली मेट्रो से सफ़र नहीं करते हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और आप लोगों की सेफ्टी के लिए एक ऐसी तकनीक DMRC लेकर आया है जिसके बाद आपका मेट्रो का सफ़र और ज़्यादा सुहावना और आसान हो जाएगा। आखिर DMRC की तरफ से क्या फैसला लिया गया, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने News18 India का डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि YouTube अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको कौन सी खबरें देखना पसंद है। अब आ जाते हैं दिल्ली मेट्रो पर। दिल्ली की लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो और रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग जो हैं दिल्ली मेट्रो से सफ़र भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो में लगातार हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सेफ्टी को लेकर जो लोग हैं वो परेशान नज़र आते हैं, किसी का दुपट्टा फंस जाता है, किसी की साड़ी फंस जाती है, किसी का बैग फंस जाता है और अचानक जो है वो मेट्रो चलने लग जाती है, यानी कि गेट बंद हो जाते हैं, और ऐसे में आपकी और हमारी सेफ्टी को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब DMRC लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी और मॉनिटर करने के बाद अब DMRC एक ऐसा ही एंटी ड्रैग सिस्टम मेट्रो में लेकर आई है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी एक सिस्टम दिल्ली मेट्रो में था कि अगर आपका कोई भी सामान फंस जाता है तो दिल्ली मेट्रो के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं होंगे और एकदम से जो मेट्रो है वो तेज़ी से भागेगी नहीं। लेकिन अब दो डायनेमिक सिस्टम्स जो हैं एंटी ड्रैग सिस्टम, उनको इजाद किया गया है DMRC की तरफ से, ताकि पतली से पतली चीज़, यानी कि अगर आपका साड़ी का पल्लू भी अगर फंस जाता है तो आप कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाइए, दिल्ली मेट्रो के ना तो गेट्स बंद होंगे और ना ही दिल्ली मेट्रो रफ्तार से दौड़ेगी। सबसे पहले आपको बता दें दो सिस्टम्स जो हैं जिन पर DMRC काम करने जा रहा है। पहला सिस्टम है एंटी ड्रैग सिस्टम। इस एंटी ड्रैग सिस्टम में ये होता है कि अगर 0.5 मिलीमीटर की पतली चीज़ कोई भी, यानी कि साड़ी, पल्लू, थोड़ा सा भी अगर दरवाजे में फंस जाता है तो अचानक से दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। सिस्टम में ये रखा गया है, इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है कि अगर थोड़ी सी भी पतली चीज़ फंस जाती है तो वहाँ पर लाइट्स जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, लाइट्स जलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो है दरवाजे एकाएक खुल जाएंगे। यानी कि जब तक आप पूरे तरीके से मेट्रो के अंदर एंट्री नहीं लेंगे तब तक दिल्ली मेट्रो के दरवाजे बंद नहीं होंगे, यानी कि आप सेफली जो हैं अंदर जा सकते हैं। आपका दुपट्टा फंस जाए या आपकी साड़ी का पल्लू फंस जाए, आपको कहीं ना कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेफली जो है मेट्रो के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा दूसरा है डायनेमिक ड्रैग सिस्टम। डायनेमिक ड्रैग सिस्टम में इसकी जो mm की मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, यानी कि 0.8 mm, यानी कि अगर आपका बैग फंस जाता है या पर्स फंस जाता है, उस वक्त भी ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में अंदर चले जाते हैं और हमें डर लगता है कि मेट्रो के दरवाजे ना बंद हो जाएं। अब अगर आपका बैग भी फंस जाता है, आपका पर्स फंस जाता है, तो अचानक से इसी सिस्टम के आधार पर लाइट्स ब्लिंक करने लग जाएंगी मेट्रो के दरवाजे में और उसके बाद मेट्रो का दरवाज़ा एकाएक खुल जाएगा, यानी कि आप इत्मीनान से अंदर जा सकते हैं। अगर आपका बैग फंस जाता है तो वो फंसेगा नहीं, दिल्ली मेट्रो के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और ये भी होगा कि मेट्रो तब तक चलेगी ही नहीं जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका बैग फंस जाता है, साड़ी फंस जाती है, तो अचानक से वहाँ पर इस सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करने लग जाएंगी, दरवाज़ा खुल जाएगा। जब तक आप पूरे तरीके से सेफली अंदर नहीं जाते हैं तब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे और जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक मेट्रो चलेगी नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक सिस्टम जो है वो DMRC की तरफ से इसी तरीके का सिस्टम पहले से ही ड्रैग सिस्टम लगाया गया है, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि 18 mm, यानी कि पतली चीज़ के लिए नहीं, किसी मोटी चीज़ अगर आपकी फंस जाती है तो उस वक्त क्या होता था कि दरवाजे खुल तो जाते थे लेकिन मेट्रो चलने लग जाती थी। लेकिन अब ये जो दो सिस्टम्स आए हैं उसके बाद पहले तो दरवाजे खुल जाएंगे और तब तक, जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे, आप सेफली अंदर नहीं चले जाएंगे तब तक दरवाजे जो है मेट्रो के बंद नहीं होंगे। तो DMRC की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, आपकी सेफ्टी के लिए लिया गया है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले दिनों एक महिला की साड़ी है दिल्ली मेट्रो में फंस गई थी जिसके बाद वो ड्रैग होती चली गई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और यही वजह है कि DMRC की तरफ से अभी नई टेक्निक जो है वो ईजाद की गई है ताकि लोग जो है और ज़्यादा
सेफली मेट्रो में जो है सफ़र कर पाएँ, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं, आजकल तो वैसे भी भीषण गर्मी हो रही है, बड़ी तादाद में लोग मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए अब DMRC की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है।